हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों के बहुत सारे डिमांड्स आ रहे थे कि सभी सब्जेक्ट्स के आपके टॉप 10 क्वेश्चन सही है या मोस्ट वांटेड कौन से क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस कीजिए, तो हम लेकर के आ रहे हैं बैक टू बैक। आपकी सोशियोलॉजी की भी आ चुकी है, जियोग्राफी की भी आ चुकी है, एंशियंट हिस्ट्री की भी आ चुकी है, तो इसी तरह से सभी सब्जेक्ट आपके कवर किए जा रहे हैं। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं बी ए फर्स्ट ईयर के प्राचीन इतिहास का प्रथम सेमेस्टर से रिलेटेड टॉप 10 मोस्ट वांटेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि वो टॉप 10 मोस्ट वांटेड क्वेश्चन कौन से होने वाले हैं जो कि आपको पढ़ के जाना है, कि आपके एग्जाम में जिसके आने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं, क्योंकि मैं जो ये क्वेश्चंस बता रहा हूं ये आपसे रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एंड प्रथम सेमेस्टर जो इस बार सेमेस्टर वाइज आपके एग्जाम्स होने वाले हैं कुछ यूनिवर्सिटीज में, तो उसके अकॉर्डिंग जो नई सीरीज आई हुई है उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें हैं। जैसे कि आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन इसमें आपसे क्या पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन देखो, यहां पे लिखा हुआ है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का वर्णन करो। यानी कि अगर हम प्राचीन भारत के बारे में जानना चाहते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से स्रोत हैं जिससे हम प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जान सकते हैं कि प्राचीन टाइम पे हमारा भारत कैसा था, प्राचीन भारतीय इतिहास कैसा था, क्या थे उस टाइम पर, कौन सी चीजें थी, किसके माध्यम से हम जान सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपको गुफाओं पर जो अभिलेख लिखे हुए होते थे उससे मिल सकता है, पुरानी बुक्स महाकाव्य हो गए उससे पुराने जो बुक्स लिखे गए हैं, वेद लिखे गए हैं उससे पता चल सकता है, ताम्रपत्रों पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हमें देखने को मिलती है, खुदाई के माध्यम से हमें कुछ चीज़ें पता चली हैं। तो इस तरह से बहुत सारे स्रोत हैं, उन स्रोतों के बारे में आपको वर्णन करना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसकी नगर योजना कैसी थी, नगर उसमें किस तरह से बनाए गए थे, उनकी विशेषताएं क्या है, इस चीज के बारे में आपको वर्णन करना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना कैसी थी, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। वीडियोस ऑलरेडी सभी टॉपिक्स पर अवेलेबल हैं, तो आपको चैनल पर जाकर के विजिट करना है। एंड बीए फर्स्ट ईयर के प्राचीन इतिहास के प्रथम सेमेस्टर का आपको प्लेलिस्ट ओपन करना है जिसमें एक एक चीज आपको मिलने वाली है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, वैदिक संस्कृति में उल्लिखित सामाजिक जीवन का वर्णन कीजिए। वैदिक संस्कृति जो है उसमें सामाजिक जीवन के बारे में वर्णन किया गया है कि वैदिक संस्कृति में सामाजिक जीवन कैसा था। तो वैदिक संस्कृति में उल्लिखित जो सामाजिक जीवन है, सामाजिक जीवन जीने का जो तरीका है, जो वे ऑफ लिविंग है, उसके बारे में डिस्कस करना है कि वैदिक संस्कृति में सामाजिक जीवन कैसा था। ओके, आओ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका महाकाव्य युगीन संस्कृति के सामाजिक संगठन का वर्णन करो। महाकाव्य युगीन संस्कृति, जैसे यहां वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति मींस क्या, जब वेदों की रचना हो रही थी उस टाइम पर जो संस्कृति थी उसके बारे में। ऐसे ही महाकाव्य युगीन जो है इसका मतलब जब महाकाव्य की रचना हो रही थी, जिस टाइम पीरियड पर महाकाव्य की रचना हो रही थी वो कहलाएगा आपका महाकाव्य युगीन संस्कृति। तो महाकाव्य युगीन संस्कृति के सामाजिक संगठन का वर्णन करना है आपको कि उस समय सामाजिक संगठन कैसे थे, समाज में लोग कैसे रहते थे, उनके सामाजिक ढांचे कैसे थे, समाज में उनका क्या बिहेवियर था, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करना है। ओके, आओ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि नदियों की घाटियों में सभ्यताओं के उदय और विकास के कारणों की विवेचनाएं कीजिए। कि नदियों की घाटियों में सभ्यताओं का उदय और विकास क्यों हुआ है। आप देखो कि दुनिया की हिस्ट्री उठा करके देख लो, जितनी भी सभ्यताओं का जन्म पुराने समय में, प्राचीनतम समय में जितनी भी बड़ी सभ्यताओं का जन्म हुआ, वो सारी की सारी सभ्यताएं जो थी वो नदियों की घाटियों पर ही विकसित हुई, नदियों की घाटियों पर उदय हुआ और वहीं पर विकास हुआ। तो इसके पीछे रीजन क्या था, वो कारण क्या थे जिन कारणों से नदी की घाटियों पर ही सभ्यताओं का उदय और विकास हुआ, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको डिस्कस करना है कि नदियों की घाटियों में सभ्यताओं का उदय और विकास क्यों हुआ। सारे टॉपिक्स पर वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, मैंने आपसे कई बार बोल दिया है कि वीडियोस अगर आपको देखना है आपको चैनल पे विजिट करना है, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाना है एंड प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर के आप देखोगे वीए फर्स्ट ईयर एंशियंट हिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर, तो आप वो प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो उसमें एक एक टॉपिक का आपको पूरा पूरा आंसर मिलेगा, पूरा पढ़ाया गया है, अच्छे तरीके से समझाया गया है, तो प्लीज गो एंड चेक आउट दैट। ओके, अगला बात करते हैं सिक्स नंबर का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है वो कह रहा है आपका सुमेरियन सभ्यता के बारे में। आप देखोगे नदी घाटी सभ्यताओं में कई सारी सभ्यताएं आपको देखने को मिलेगी, तो उसमें एक सभ्यता आती है सुमेरियन सभ्यता। इसके सामाजिक और आर्थिक जीवन के विषय में प्रकाश डालिए कि सुमेरियन सभ्यता जो था उस समय लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था, समाज में लोग कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, उनका रोज दिनचर्या क्या था, उनके बिलीव्स क्या थे, और उनका आर्थिक जीवन, मतलब कि उनका आर्थिक जीवन किस तरीके से चलता था, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको डिस्कस करना है कि उनका सामाजिक और आर्थिक जीवन किस तरीके से चलता था, उस पर आपको प्रकाश डालना है। ओके,
इसी तरीके से सेम एज आपका 7th नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि बेबीलोनियन सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में उल्लेख कीजिए कि बेबीलोनिया की जो सभ्यता थी, सुमेरियन बेबीलोनियन जो ये सारी सभ्यताएं थी एक ही जगह पर फली फूली है, तो जो बेबीलोनियन सभ्यता थी इसका सामाजिक जीवन कैसा था, समाज में लोग कैसे रहते थे, उनका रहने का, खाने पीने का, उठने बैठने का, उनकी बोल चाल, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस करना है। तो बेबीलोनियन सभ्यता के बारे में उनका सामाजिक जीवन कैसा था, इस चीज के बारे में डिस्कस करना है, आपका 7th नंबर क्वेश्चन है। 8th नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि असीरियन सभ्यता, ये तीनों सभ्यताएं जो आपको दिख रही है ना, सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोनियन सभ्यता, असीरियन सभ्यता, ये तीनों ही सभ्यताएं एक ही जगह पर फली फूली हैं। तो असीरियन सभ्यता के बारे में पूछ रहा है कि उसके धर्म और जो धार्मिक विश्वास है उसके बारे में डिस्कस करना है कि उसमें रिलीजन क्या था और धार्मिक विश्वास क्या थे, उन विश्वासों के बारे में वर्णन करना है असीरियन सभ्यता के। तो ये आपके सामने रहा क्वेश्चन। तो उस टाइम के लोगों का धर्म क्या था, किस तरह से उनके धार्मिक विचार थे, उनके विश्वास क्या थे, उन टॉपिक्स पर डिस्कस करना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 9th नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है 9th नंबर का क्वेश्चन कि नील घाटी व मिस्र के सभ्यता के आर्थिक विकास का वर्णन कीजिए। कि नील घाटी, जो नील नदी की घाटी है, और मिस्र की सभ्यता जो है उसके आर्थिक विकास का वर्णन करना है कि उसके आर्थिक विकास कैसे हैं, नील घाटी घाटी और मिस्र की सभ्यता का आर्थिक विकास कैसे हुआ, उसमें सबसे मेन टॉपिक्स कौन कौन से थे, उसके आर्थिक विकास के पीछे पिलर्स कौन कौन से थे, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस करना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 10th नंबर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे छोटे छोटे टॉपिक्स में पूछा जाता है, कभी आपसे 200 वर्ड्स में लगभग ये पूछे जाते हैं। डूंगी और जिगुरत, ये विधि संहिता है, इनका एक विधि है, एक तरीका है। तो डूंगी और जिगुरत की विधि संहिता क्या है, उसके पर आपको प्रकाश डालना है। बहुत बार पूछा गया, आप बोलोगे ये लगभग हर ईयर में आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, डूंगी और जिगुरत। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसको आप कवर कर लोगे तो ये 50 वर्ड्स में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, 200 वर्ड्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए 10th नंबर का क्वेश्चन। तो ये हमारे कुछ top 10 questions हैं जो कि प्राचीन इतिहास अगर आप फर्स्ट ईयर में ले रहे हो प्रथम सेमेस्टर, तो ये क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। तो इन सभी की तैयारी कर लीजिए। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पर मिलने वाली हैं इस पर ऑलरेडी मैंने बता दिया है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है। जस्ट चैनल पर विजिट करना है, आप जाओगे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे, एंड प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर के आपको लिखना है, या फिर आप देख लोगे स्क्रॉल करके BA फर्स्ट ईयर एंशियंट हिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर, तो वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाकर के एक एक टॉपिक आपको पूरा पूरा कम्प्लीटली कवर करवाया गया है। तो वो सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, कुछ आपको नोट्स भी उसमें मिल जाएंगे, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए। तो इस तरीके से जाकर के आप विजिट कर सकते हो और अपने लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर सकते हो। आप इसको अपने फ्रेंड सर्कल में भी सेंड कर सकते हो, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हो, जिससे कि उनको काफ़ी हेल्प मिल सके। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जैसे कि यहाँ इस समय इतना दिख रहा है 4 क्वेश्चन, फिर 4 क्वेश्चन के बाद ये आपको दिख रहा है 8 क्वेश्चन तक, फिर 8 क्वेश्चन के बाद इधर 10 क्वेश्चन तक, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ट्राई करूँगा मैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका PDF का लिंक भी दे दूँ, जिससे कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाए। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।